शिवलिंग तो एक बहाना है। अंबेडकर नामा असली निशान ने जो हथियार दिए हैं हमें, उन्होंने टैंक नहीं दिया है, तोप नहीं दिया है, तलवार नहीं दी है, राइफल नहीं दी है, उन्होंने विचार दिया। विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो लॉर्ड बुद्धा याद आते हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। जब घर के भीतर होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए। उनको सुबह सुबह टेलीविजन पर एक विलखता हुआ मुसलमान दिखाई दे दे, एक विलखता हुआ दलित दिखाई दे दे, तो पूरा दिन भर वो आनंद की प्राप्ति उनको रहती है। भूखे मर जाएं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, चटनी रोटी खा रहे हैं, उससे क्या मतलब है। दलित के आंख से आंसू तो देखने को मिला सुबह सुबह। हिंदू का मतलब आज यही रहा। रतन लाल से डायलॉग करते ना, रतन लाल आप आओ नेशनल टेलीविजन चैनल पर और बताओ फब्बारे में और शिवलिंग में क्या फर्क है। डॉक्टर रतन लाल बताते, यह तो पुलिस लेकर के गए हैं डिबेट करने के लिए। मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त में दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रोफेसर रतनलाल के समर्थन में तमाम बहुजन एक्टिविस्ट एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से कल दिल्ली की क्राइम ब्रांच द्वारा, पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में तमाम सोशल एक्टिविस्ट लोग यहाँ पर उनके समर्थन में उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर दलित एक्टिविस्ट प्रोफेसर, क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान प्रसाद। थैंक यू। तो सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से देश में हालत है, और लगातार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या शिवलिंग को लेकर हो, तमाम तरह से जनता का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीजेपी या आरएसएस हर मोर्चे पर सबको पराजित कर चुकी है। बौद्धिक मोर्चा ऐसा है जिसकी जंग उसने आज छेड़ दी है। आरएसएस के लिए अंबेडकर बाद से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है। और इधर बीच के वर्षों में प्रोफेसर रतन लाल ने जो अंबेडकर नामा खड़ा करके जो एक वैचारिक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, यह हमला अंबेडकर नामा पर है। शिवलिंग तो एक बहाना है, अंबेडकर नामा असली निशाना है। तो अगर डॉक्टर रतनलाल को दबा दिया जाए तो बाकी जो भैया दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो वैसे ही निपट जाएंगे। तो यह एक हमला है, इसका प्रतिरोध भी हो रहा है। जिस प्रकार से मतलब देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम दलितों और बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो इन बातों पर देश के अंदर न तो मीडिया में विमर्श हो रहा है, न देश की सत्ता पक्ष या मुख्य विपक्ष पार्टियां इस बात को एक उस मजबूती के साथ नहीं उठा पा रही हैं जिस प्रकार से उठाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कैसे इनसे जीता जा सकता है इनके? देखिए, बाबा साहब ने जो हथियार दिए हैं हमें, उन्होंने टैंक नहीं दिया है, तोप नहीं दिया है, तलवार नहीं दी है, राइफल नहीं दी है, उन्होंने विचार दिया है, आर्गुमेंट करने की ताकत दी है। भारत देश के भीतर हम लोग सारी लड़ाई हार चुके हैं, अब यह इस लड़ाई को भारत की सीमा से बाहर ले जाना है। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका की लड़ाई मंडेला साहब अकेले नहीं जीते। जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम बैन हो गई, हॉकी टीम बैन हो गई, सारी स्पोर्ट्स दुनिया से, ओलंपिक से साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया, तब जाके वहाँ के वाइट लोगों ने सोचा कि हम तो अलग थलग पड़ गए हैं। तो अब यह लड़ाई ग्लोबल लेवल पर लड़नी पड़ेगी, और ग्लोबल लेवल पर इस लड़ाई को दलित इंटेलेक्चुअल ही लड़ सकते हैं। तो लड़ाई आप देखिए, यहाँ इतने सैकड़ों एकेडमिक। प्रोफेसर रतनलाल जी को तो मतलब विवादित पोस्ट के नाम पर अंदर का रास्ता दिखा दिया गया, हालांकि उनकी जमानत की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी लुम्बिनी गए थे बुद्ध पूर्ण, ठीक है, तो क्या ये तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को, महात्मा फुले को, इनको जुटला सकते हैं? उनके पूरे ग्रंथ, उन्होंने जो किताब लिखी है, जीवनी लिखी है, तो उनका, तो बाबा साहब की बात करें तो उनकी पहली प्रतिज्ञा ये ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। जब ये विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो लॉर्ड बुद्धा याद आते हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। जब घर के भीतर होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए। तो लुम्बिनी में विदेशी धरती पर
गौतम बुद्ध की आलोचना करके कौन आदमी एक कदम आगे चल सकता है? बताइए, इस दुनिया में कोई है जो गौतम बुद्ध की आलोचना कर सकता है? तो वह तो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केटिंग के लिए है। तो जिस प्रकार से ये मतलब बाबा साहब के सामने मतलब नतमस्तक होते हैं, वह ऐसा प्रचार प्रसार उनके मीडिया द्वारा मतलब उनके आईटी सेल द्वारा कराया जाता है कि इनसे बड़ा बाबा साहब का अनुयायी कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसमें मतलब कितनी सच्चाई है, क्या उनका बाबा साहब को मानने का अगर बाबा साहब को कोई इतना मानता तो बाबा साहब के विचारों को फैलाने वाले डॉक्टर रतनलाल को रात को 10:30 बजे गिरफ्तार करता, वो सुबह नहीं गिरफ्तार हो सकते थे? अगर आपको गिरफ्तार ही करना है तो आतंकवादी थे वो, टेररिस्ट थे। तो यह तो दलित इंटेलेक्चुअल में खौफ खड़ा करने के लिए कि रतनलाल को टाउन करो, बाकी लोग अपने आप रास्ता देख लेंगे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है तमाम टीवी मीडिया में, महंगाई बेरोजगारी की तो बात होती ही नहीं है इसमें। अब हम भी न्यूज़ चला रहे हैं तो हम जब खबर बनाते हैं तो हम भी थक जाते हैं, कितना अन्याय अत्याचार अपने लोगों को दिखाया जाए और टीवी एकदम निगेटिव न्यूज पर। जो हिंदू समाज है, दलित को छोड़ के बाकी सब हिंदू ही हैं, मुसलमान अलग है कैटेगरी, उनको सुबह सुबह टेलीविजन पर एक विलखता हुआ मुसलमान दिखाई दे दे, एक विलखता हुआ दलित दिखाई दे दे, तो पूरा दिन भर वो आनंद की प्राप्ति उनको रहती है। भूखे मर जाएं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, चटनी रोटी खा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? इसके इसके दलित के आंख से आंसू तो देखने को मिला सुबह सुबह। बस हिंदू का मतलब आज यही रह गया है। तमाम टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो फब्बारा है तो तर्क दे रहे हैं, अगर शिवलिंग को आप फब्बारा बता रहे हैं तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, पाइप का कनेक्शन नहीं है। मेरा मैं बताना चाहूँगा, जो कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से नर्मदा वो गंगा नदी निकलती है, तो वहाँ पे कौन सी क्या कहना चाहूँगा? देखिए कि जो RSS के लोग हैं और जो उसकी विचारधारा के लोग हैं, वह कन्वर्सेशन से डरते हैं, डायलॉग से डरते हैं, डिस्कशन से डरते हैं। तो इसलिए वो डायलॉग, वो रतनलाल से डायलॉग करते ना, रतनलाल आप आओ नेशनल टेलीविजन चैनल पर और बताओ फब्बारे में और शिवलिंग में क्या फ़र्क है, तो डॉक्टर रतनलाल बताते। यह तो पुलिस लेकर के गए हैं डिबेट करने के लिए। ये बताइए कि हमारा डिबेट चल रहा है, सेमिनार है, सेमिनार में हम अपनी जगह एक दरोगा को भेज दें कि तुम अपनी पिस्टल जो है ताने रहना, हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो यह तो जो RSS में जो यह एक हलचल है कि हमने सब पर कब्जा कर लिया, दलित दिमाग पर क्यों नहीं कब्जा कर पा रहे हैं? एक बात और पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है और या उसकी सहयोगी संगठन RSS हो गया, उनके अंदर मैं मानता हूँ इतनी पावर है कि 2 घंटे के अंदर किसी भी हीरो को उन्हें विलेन बनाना है तो विलेन साबित कर सकते हैं, और विलेन को अगर हीरो बनाना है तो हीरो भी साबित कर सकते हैं। इस बात को, इस सच्चाई को बहुजन समाज खास करके दलित कैसे देखते हैं और क्या किस प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं, क्या जमीनी स्तर पर क्या कार्य करने पड़ेंगे? देखिए, मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि अछूत अगर धन संग्रह करते हुए देखा गया तो उसे पकड़ लो, उसका धन छीन लो। दलित नया कपड़ा नहीं पहन सकता है, दलित महिलाएं गोल्ड और सिल्वर के गहने नहीं पहन सकती हैं, दलित मेटल पॉट्स में न खाना बना सकता है न खा सकता है, और दलित गांव से बाहर रहेगा। तो ठीक इसके विपरीत दलित काम करना शुरू करें, ये जो है धन बनाएं, कंपनी बनाएं, बिजनेस करें, अच्छे कपड़े पहने। बाबा साहब क्यों सूट वूट पहनते थे गर्मी में भी? तो इससे जो है इनके पास आत्मा होती है, वो कांप उठती है, इनकी रूह कांप उठती है जब एक दलित को देखते हैं घोड़े पर सवार, दलित की मूछ देखते हैं। यह तो सिर्फ मूछ देखने से ही आधी ताकत इनकी ख़त्म हो जाती है, दलित को जब बुलेट पर बैठे देखते हैं। तो यह इनकी कमजोरियां हैं, तो इनकी कमजोरियों पर हमें जो है हमला करना होगा। कभी हिटलर ने सोचा था कि उसको अपने बंकर में जाके आत्महत्या करनी पड़ेगी? तो किस प्रकार से, लास्ट में पूछना चाहूँगा, मतलब एक लाइन में बताइए
कि जो तमाम जो हथकंडे टीवी मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं वैसे जग जाहिर है क्यों हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो वो उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब पास्ट का भारत, जिसमें दलितों शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा धन संचय करने का अधिकार नहीं था, उनकी नारियों को मतलब। आप ये बात आप ये सोचते होंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई देश इतना बर्बाद हो रहा है, राष्ट्र इतना इकोनॉमी डूब रही है, तो क्या इन्हें नहीं मालूम है? पर इनको इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि RSS के पास राष्ट्र नहीं है, उनके पास केवल कास्ट है। थैंक यू, आपने समय दिया। डॉक्टर चंद्रवान जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। उनके हिसाब से इनका कहना है कि तमाम तरह के जो देश में जो चल रहा है टीवी चैनल पर, वो दलित जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, क्या सुझाव हैं? आपके जो सुझाव हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।